अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक स्टीव की वीडियो बना रहा हूँ वाल कॉम्बो के ऊपर, जो बिगनर के लिए है बिल्कुल, जिनको वाल नहीं लगानी आती स्टीव की, या जिनको नहीं पता कि स्टीव की वाल कॉम्बो कैसे लगाएं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो चलें मैं इसमें आपको गाइड करता हूँ और बताता हूँ कि स्टीव की वाल कॉम्बो आप कौन सी कंडीशन में कौन सी कॉम्बो लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो कम्बो है स्टीव की, ये बिल्कुल इजी कम्बो है, जो जिसको कम्बो नहीं लगानी आती, ये कम्बो उसके लिए है, जो जिनको नहीं पता कम्बो कैसे लगानी है, तो ये कम्बो उनके लिए है। एक ये आप कम्बो लगा सकते हैं, सबसे इजी कम्बो स्टीव की। फिर दूसरी ऑप्शन इसमें स्टीव के पास ये है, ये कम्बो बहुत इजी है और इसमें ये मिस नहीं होती। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है, डिपेंड करता है आप कौन सी कम्बो लगाना चाहते हैं। स्टीव के पास ये वाली कम्बो लगती है और एक वो वाली कम्बो, ये दो कम्बो लगती हैं इसके पास। या तीसरी ऑप्शन आपके पास वो गैटलिंग गन, ये लगा सकते हैं आप। तो ये वाली जो कम्बो मैंने बताई है, ये सिर्फ इस क्रू के बाद है। अगर आप स्टीव की कम्बो थोड़ी लंबी करना चाहते हैं और मैक्स डैमेज थोड़ा लगाना चाहते हैं, तो उसमें सिंगल हिट वाला अगर स्क्रू करो तो उसमें ज़्यादा डैमेज है फिर स्टीव के पास। ये कम्बो भी बहुत ईजी है और इसका डैमेज भी अच्छा है। अगर आप ये वाली कम्बो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला स्क्रू करना पड़ता है, और इसके बाद फिर उसके पास ऑप्शन काफ़ी है। ये वाली कम्बो लगा सकते हैं, ये कम्बो ये ऑप्शन आ चुका है। दूसरी ये कम्बो है, ये वाले स्क्रू के पास इसके पास काफ़ी कम्बो है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कम्बो लगा सकते हैं। तो दोनों का डैमेज अच्छा है और इजी कम्बो है ये वाली स्टीव की। एक ये स्क्रू है स्टीव का वाल पे, आप कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली ऑप्शन आती है स्टीव की, ये कम्बो है और एक स्टीव, ये कम्बो भी है। ये बहुत अच्छी वाल कम्बो दी है स्टीव को, न्यू जो दी है, ये मिस नहीं होती, ये सारी हिट है, कन्फर्म है। तो आप ये भी कम्बो लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी कर दी है। जो बिगनर है जिनको नहीं लगानी आती वो ये लगा सकते हैं अब। तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने एक चीज़ की है। तो इस क्रू के अंदर ये तीन कम्बो है स्टीव की। अगर आप इसमें और मैक्स डैमेज कम्बो लगाना चाहते हैं तो वो फिर इसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन कौन सी लगानी है आपने। एक ये कम्बो है, लेकिन ये कंडीशन है स्टीव की। अगर आप चाहें तो स्टीव की कम्बो थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन बनानी पड़ती है, डिपेंड करता है क्वार्टर सर्कल वन किस रेंज से लगे और ओपोनेंट किस साइड पर है। अगर इस कंडीशन पे ये लग जाए तो इसकी कम्बो ये भी लग जाती है। ये कम्बो भी है स्टीव की, लेकिन ये कंडीशन है स्टीव की, इसमें आप कम्बो और भी लंबी कर सकते हैं, ये कम्बो भी आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कम्बो ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी मैक्स डैमेज है कम्बो, ये भी एक कंडीशन है स्टीव की। और अगर ओपोनेंट बिल्कुल वाल पे लगा हो, जिसके आप इसको वाल पे लगाते हैं और कम्बो आप थोड़ी सी लंबी लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ऑप्शन है। ये कम्बो भी आप लगा सकते हैं। ये कम्बो भी है इसकी।
एक इसकी ये भी कंडीशन है, अगर इस तरह प्लेयर वन साइड लेके आप इस तरह फॉरवर्ड 2-1 से कैरी कर सकते हैं, अगर ओपनर देखने वाले के लगा कम्बो भी है, ये इजी कम्बो है, साइड लेके आप फॉरवर्ड 2-1 लगा सकते हैं ओपनर को। ये भी कंडीशन है, अगर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी स्टीव की कम्बो लगाना चाहते हैं, तो वो कुछ कंडीशनें हैं स्टीव की और कुछ इजी कम्बो है जैसे कि मैंने आगे बता दी है आपको। अगर आप ये वाला सिक्यू करते हैं तो उसके बाद ये वाली इजी कम्बो है और ये भी कम्बो है, ये कम्बो मिस नहीं होती। फिर उसके पास ऑप्शन आ जाती है ये वाली ड्रैगन मान के, अगर ये वाला स्क्रू करो तो ये वाली लग जाती है, नहीं तो आप ये वाला कर लो तो ये ज़्यादा डैमेज भी ज़्यादा ले भी लग जाती है। तो ये इसकी बिल्कुल सिंपल सी, यानी कि मैंने कम्बो बताई है आपको जो बिल्कुल इजी है, जो मुश्किल नहीं है। और फिर इसकी कंडीशन ये जैसे ये तो ये साइड लेके लगती है, जैसे ये इस रेंज से लगता है तो ये लगानी पड़ती है, ये कंडीशन है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कंडीशन कैसे बना रहे हैं, या ओपन राइट को क्वार्टर सका वन या 3+4 2 स्टीप का कैसे लगता है लगा है और वो बाल पे कैसे लगा है, फिर उसके ऊपर ये बनती है कम्बो। जैसे ये कम्बो बना रहे हैं तो इधर लंबी फिर कम्बो कर, ये बहुत ईजी कम्बो है और ये मिस भी नहीं होती, तो ये भी एक कंडीशन है। तो ये एक बहुत ही यानी कि ईजी कम्बो है, स्टीव को काफ़ी उन्होंने अच्छी कम्बो दे दी है टेकन 8 में, तो जो कि बहुत ही आसान है, और जो बिगनर थे जिनको कम्बो नहीं लगानी आती थी उनके लिए बहुत ईजी कर दी है कम्बो, जैसे कि स्टीव की बहुत ईजी है। तो बिगनर थे वो ये कम्बो नहीं लगा पाते थे, जैसे कि इसकी ये कैचिंग लगाना है ये बहुत मुश्किल थी, अब ये बड़ी आसान कर दी है उन्होंने। फिर उसके अलावा इन्होंने एक नई जो इंट्रोड्यूस कराई है स्टीव की कम्बो वाल, वो बड़ी आसान है जो बिगनर है स्पेशली उनके लिए, ये वाली जो उसको न्यू मूव दी है ये बहुत आसान है और मुश्किल भी नहीं है, और ये अब कोई भी इसकी कम्बो लगा सकता है। तो ये एक मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है आज स्टीव की चंद कम्बो के ऊपर, जो बिगनर के लिए था स्पेशली। तो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंटों में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस तरह की चाहते हैं आप मुझे वो भी बताएं, मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगा। तो आज के लिए यही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।